हेलो एंड वेलकम टू स्टडी फॉर जे के एस एस बी। दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी फॉर जे के एस एस बी में। दोस्तों जैसा कि पता है अकाउंट असिस्टेंट की जो वैकेंसीज हैं वो कभी भी आ सकती हैं, तो उसके लिए हमने ऑनलाइन सीरीज स्टार्ट करी हुई है। आपका जितना भी सिलेबस है वो हम ऑनलाइन प्रोवाइड करा रहे हैं आपको। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाओगे, वहाँ प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग वीडियोज़ हैं। हमने सबको सारे टॉपिक को सारे सिलेबस को ध्यान में रखते हुए वीडियोस बनाई हैं। अकाउंटेंसी की वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, स्टैटिस्टिक्स की वीडियो मिल जाएंगी और बाकी भी जो सेक्शंस हैं हम उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्टैटिस्टिक्स का, जो टॉपिक है वो है डाटा कलेक्शन मेथड प्राइमरी और सेकेंडरी। तो जो हमारी आज की जो ये वीडियो है ये रहने वाली है सेकेंडरी डाटा पर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोसेस्ड डाटा। तो इन नीचे दिए गए ऑप्शन में आपको ये देखना है कि कौन सा डाटा जो है प्रोसेस्ड डाटा है, जिसको हमने पहले इकट्ठा किया और फिर उसको प्रोसेस करके मतलब इन्फॉर्मेशन बना, जिससे हमें इन्फॉर्मेशन कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो होता है प्रोसेस्ड डाटा। प्रोसेस डाटा वो होता है जो ऑर्गेनाइज्ड हो। तो ऐसा कौन सा डाटा है जो ऑर्गेनाइज्ड है। पहला आ गया सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स ऑफ शॉपकीपर शॉपर्स विजिट्स। तो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग जो है ये हमें ऐसे ही मिल रहा है, एज इट इज़ जैसे है वैसे ही है, तो ये प्रोसेस्ड नहीं हुआ। टेबल्स फ्रॉम सर्वेज, जब हमने सर्वे किया फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसके सर्वे को टेबल में बनाया, टेबल की फॉर्म दी, ठीक है। तो पूरा हमने सर्वे को एक अच्छी तरह से रिप्रेजेंटेशन किया उसका, तो उस चीज़ को बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका प्रोसेस्ड डाटा। कस्टमर्स कमेंट, जो कस्टमर्स हैं आप किसी दुकान पे या किसी शॉप पे जाते हो जहाँ ऑनलाइन से आप देखते हो, तो उसके नीचे जो कमेंट्स हैं वो ऐसे ही बड़े होते हैं, कोई आपके कोई पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव है, कोई कैसा है, कोई ऐसा है, तो वो सब क्या है, प्रोसेस्ड डाटा नहीं है। नंबर ऑफ विजिटर्स टू ए स्टोर, तो ये भी प्रोसेस्ड डाटा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ दीज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रॉ डाटा। तो हमें बताना है कि रॉ डाटा कौन सा है। रॉ डाटा क्या होता है, जो अनऑर्गेनाइज्ड हो, जिसको हमें अभी प्रोसेसिंग करनी है, ठीक है, जो प्रोसेस्ड नहीं किया हुआ है। ए रिपोर्ट ऑन ए स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल सेक्टर, ए ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम ए ग्रुप, ए रिपोर्ट ऑन क्वालिटेटिव फोकस ग्रुप, एन एनुअल कंपनी रिपोर्ट। तो एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि यहाँ पे भी रिपोर्ट है, यहाँ पे भी रिपोर्ट है, यहाँ पे भी रिपोर्ट है। तो जब भी कोई रिपोर्ट कोई प्रिपेयर करता है तो वो क्या करता है, पूरे ध्यान से करते हैं और उसको प्रिपेयर करने से पहले वो पूरा उसको एनालाइज करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करके, डाटा की प्रोसेसिंग करके ही रिपोर्ट बनती है। जब आप ऐसे देखो कि जब स्कूल में एक बच्चे की रिपोर्ट कार्ड बनता है, तो वो पूरा उसका पूरे जो मार्क्स हैं उसको पूरा उसको प्रोसेस किया जाता है, उसको अच्छे से देखा जाता है, फिर उसको उसको ग्रेडिंग दी जाती है, उसकी कैरेक्टर लिखा जाता है कि फिर उसकी जो भी है ना, मतलब कि आउटपुट है जो है उसको पूरा बताया जाता है वहाँ पे। तो जब भी कोई रिपोर्ट प्रिपेयर होती है तो उसके लिए क्या होता है कि डाटा को प्रोसेस किया जाता है अच्छे से, ठीक है, एनालाइज किया जाता है, प्रोसेसिंग की जाती है। तो इसमें रॉ डाटा पूछा तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन, आ जाएगा ये वाला, ए ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम ए ग्रुप। ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम ए ग्रुप मतलब जो ग्रुप है, लोग हैं, वो कुछ भी कह रहे हैं, तो वो क्या है, रॉ डाटा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर सेकेंडरी डाटा। भाई सेकेंडरी डाटा जो होता है उसको क्या बोलते हैं, क्या होता है वो सेकेंडरी डाटा, ठीक है। तो सेकेंडरी डाटा क्या होता है, ऑर्डिनल डाटा, ऑर्डिनरी डाटा, अनइम्पॉर्टेंट डाटा, एग्जिस्टिंग डाटा। तो सेकेंडरी, जब हम बात करते हैं सेकेंडरी डाटा की, तो सेकेंडरी डाटा का जो सोर्स है वो क्या होता है, बुक्स हो गई, पब्लिश्ड मैगजीन हो गई, गवर्नमेंट ऑफिशियल साइट्स हो गई, है ना। तो मतलब वो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, हमें क्या करना है, हमें सिर्फ उसको स्टडी करना है। जैसे बुक्स है, उसमें कोई टॉपिक पड़ा हुआ है, हम क्या कर रहे हैं, उठाएंगे और स्टडी करेंगे। तो मतलब वो डाटा जो होता है एग्जिस्टिंग डाटा होता है, ठीक है। सेकेंडरी डाटा जो होता है पहले से एग्जिस्ट कर रहा होता है, उसको हम स्टडी करते हैं, चाहे जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंडरी डाटा आर लीस्ट हेल्पफुल टू। जो सेकेंडरी डाटा है वो हमें कहाँ पे हमारी मदद नहीं करता है, ठीक है, किस चीज़ में हमारी मदद करने में विफल हो जाता है, तो वो है पहला
पहला ऑप्शन है इसका इवेल्युएट न्यू प्रोडक्ट्स, इंटरप्रेट टेबल्स, फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, डेवलप क्वेश्चनरीज, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फर्स्ट, इवेल्युएट न्यू प्रोडक्ट। सेकेंडरी डाटा जो है वो कैसे बताएगा कि न्यू प्रोडक्ट किस प्रकार का होगा या कैसा होगा, ठीक है ना। उसमें इंटरप्रेट टेबल्स, हम टेबल को इंटरप्रेट कर सकते हैं, जो हमारा सेकेंडरी डाटा है जब आपको आपके पास पड़ा हुआ है तो आप उसमें से जो इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो उसको इंटरप्रेट कर सकते हो। आप उसके बेसिस पे हाइपोथीसिस फॉर्मुलेट कर सकते हो, उसके बेसिस पे आप क्वेश्चनर प्रिपेयर कर सकते हो, बट आप ये नहीं बता सकते कि न्यू प्रोडक्ट किस प्रकार का होगा, ठीक है। जो न्यू प्रोडक्ट हैं उनकी इवेल्यूएशन नहीं कर सकते हम सेकेंडरी डाटा के बेस पे, तो इसलिए यहाँ पे ये लीस्ट हेल्पफुल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंडरी डाटा कैन नॉट हेल्प। अब फिर से यही क्वेश्चन है कि सेकेंडरी डाटा हमारी मदद कहाँ पे नहीं कर सकता, किस चीज़ में नहीं कर सकता। पहला इसका ऑप्शन है टू गिव डायरेक्शन टू प्राइमरी डाटा कलेक्शन, टू ऑब्जर्व रिटेल बिहेवियर, टू क्रिएट रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स, टू डिसाइड ऑन सैम्पलिंग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, देखो सेकेंडरी डाटा में हम क्या करते हैं, सेकेंडरी डाटा क्या होता है कि डाटा पहले से अवेलेबल है, हम उसको स्टडी करते हैं, फिर उसको स्टडी करने के बाद हम एनालाइज करते हैं कुछ भी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखिए इस सेकेंड ऑप्शन को देखिए ज़रा, टू ऑब्जर्व रिटेल बिहेवियर। बे रिटेल जब हम उसके पास जाएंगे नहीं तो हम उसका बिहेवियर कैसे चेक करेंगे, जब हम किसी इंसान से मिलेंगे ही नहीं, हमारा कोई कॉन्टैक्ट होगा नहीं उससे, तो उसका बिहेवियर हम नहीं जान पाएंगे। तो सेकेंडरी डाटा जो होता है वो तो बुक्स में पढ़ा होता है या मैगजीन में पढ़ा होता है या कोई ऑफिशियल साइट पे होता है, तो मतलब जिससे डाटा जब लिया गया था, मान लो कि वो जो भी डाटा है वो है पॉपुलेशन के बेस पे है या किसी एक ग्रुप है उसकी स्टडी की है उसमें, तो हम कोई ग्रुप से मिले नहीं, हम उन लोगों से मिले नहीं, तो इस तरह से हम उनका बिहेवियर तो जान नहीं सकते। जो चीज़ उसमें पड़ी होगी हम वही उसी को एनालाइज करेंगे, उसी को इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये जो डाटा है सेकेंडरी डाटा यहाँ पे फेल हो जाता है किसी का बिहेवियर स्टडी करने में, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द मिस्टेक व्हेन यूजिंग सेकेंडरी डाटा इफेक्टिवली इज, जब हम सेकेंडरी डाटा को अच्छे से यूज़ कर रहे हैं तो हमारी कौन सी गलती हो सकती है, जो कौन सी गलती होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शंस हैं वो है टू लोकेट इट बाय पीपल, टू कंबाइन इट विद अदर डाटा, टू इवेल्युएट इट्स यूजफुलनेस, टू एज्यूम इट इज़ राइट। तो हमारी गलती यही होती है सेकेंडरी डाटे में कि हम ये मान लेते हैं कि ये डाटा जो है वो सही है, ठीक है। हम क्या करते हैं, क्या मान लेते हैं कि ये डाटा जो है सेकेंडरी डाटा वो सही है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता क्योंकि हम उस पर आँख बंद करके विश्वास नहीं कर सकते कि वो सही है या गलत है, ठीक है। हम बेशक हम ऐसे ही जैसे बुक है आपकी तो उसमें जो लिखा होगा आप पढ़ लोगे विदाउट ये जाने कि उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, क्या वो सही है या नहीं है, आप बिना उसको जाने आप सीधे स्टडी कर लोगे और वही लिख दोगे एग्ज़ाम में या जो भी है, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ का है कि हम उसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये सही है, पर उसके चांसेस होते हैं गलत होने के भी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, विच वन इज डिसएडवांटेज ऑफ सेकेंडरी डाटा। तो सेकेंडरी डाटा की जो डिसएडवांटेज है वो क्या है, देखो हमें डिसएडवांटेज बतानी है इसकी, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। फास्ट टू ऑब्टेन, ये तो इसकी एडवांटेज होगी। इनएक्सपेंसिव, ये भी एडवांटेज होगी। एड्रेसी से फ्रेश टॉपिक, तो इसका 7th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एड्रेसी से फ्रेश टॉपिक, क्योंकि सेकेंडरी डाटा पहले से अवेलेबल है, जो टॉपिक उसने जैसे आपकी बुक है उसमें जो टॉपिक्स हैं वही हैं, न्यू टॉपिक तो वो ऐड कर नहीं पाएगा, ठीक है। जो टॉपिक आपकी बुक में हैं आप वही स्टडी कर पाओगे, फ्रेश टॉपिक कहाँ से पढ़ोगे आप जो होगा नहीं उसमें, ठीक है। तो ये इसकी बड़ी यही इसकी डिसएडवांटेज है, बाकी ये जो है 3 ये इसकी एडवांटेज है। ऑलरेडी एग्जिस्ट बिल्कुल करता है। फास्ट टू ऑब्टेन, हाँ क्योंकि हमें जैसे आपकी बुक है तो आप सिर्फ बुक खोलोगे आपको डाटा मिल जाएगा। इनएक्सपेंसिव, ज़्यादा महंगा भी नहीं होता, ठीक है, क्योंकि प्राइमरी जो होता है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अब इसकी एडवांटेज बतानी है
एडवांटेज क्या होती है? पहली एडवांटेज बिल्कुल सही है इसकी, ऑलरेडी एग्जिस्ट भाई, सेकेंडरी डाटा जो होता है वो पहले से एग्जिस्ट कर रहा होता है। बाकी ये इसकी क्या है डिसएडवांटेज, आउटडेटेड हो सकता है, एक्सपेंसिव नहीं, एक्सपेंसिव तो होता नहीं ये, है ना, मे नॉट बी एक्यूरेट, ये तो ये भी नहीं है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 9th है, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ सेकेंडरी डाटा, इनमें से सेकेंडरी डाटा की फॉर्म नहीं है, ठीक है। पहला आ जाता है डॉक्यूमेंट्री डाटा, ठीक है। फिर आ जाता है आपका सर्वे बेस्ड डाटा, फिर आता है मल्टीपल सोर्स डाटा, फिर आता है रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स, ठीक है। तो इसमें से पूछा उसने कि नॉट ए फॉर्म ऑफ सेकेंडरी डाटा। डॉक्यूमेंट्री डाटा क्या होता है? जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो सेकेंडरी डाटा होते हैं, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे मान लीजिए आपकी कोई मार्क्स कार्ड है, तो वो क्या है, सेकेंडरी डाटा है, क्योंकि उसको पहले किसी ने प्रिपेयर किया है, पहले पूरा स्टडी किया है, फिर उसको पूरा मतलब कि शेप दी है ना, तो वो उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में किया है, तो वो सेकेंडरी डाटा है जो आपको मिल रहा है, ठीक है, वो सेकेंडरी डाटा हो जाएगा। इसने पूछा नॉट, तो ये वाला नहीं, ये कट जाएगा, ठीक है। फिर आ गया सर्वे बेस्ड डाटा। सर्वे बेस्ड डाटा क्या होता है? जो भी डाटा हमने कलेक्ट करा होता है क्वेश्चनेयर से, ठीक है, फिर उसको हम क्या करते हैं, उसके सर्वे बनाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी सेकेंडरी हो जाएगा, क्योंकि सर्वे क्वेश्चनेयर हमारा प्राइमरी है, लेकिन सर्वे क्या है, सेकेंडरी। क्वेश्चनेयर से जो हमें आउटपुट मिलती है, फिर उसको हम एनालाइज करके सर्वे बनाते हैं, तो इसको बोलेंगे सर्वे बेस्ड डाटा, ये भी नहीं होगा। अगला है मल्टीपल सोर्स डाटा। मल्टीपल सोर्स डाटा का क्या होता है, मान लीजिए आप किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपने पूरा उसको गूगल करा है ना, गूगल करके आपने पूरा जो भी है प्रिपेयर करी रिपोर्ट, जो भी रिपोर्ट बनाते हो, तो वो आ जाता है आपका मल्टीपल सोर्स, दो चार सोर्सेज जहाँ वहाँ से लिए, फिर उसने उसको आपने पूरा उस कंप्रेस करके एक फाइल बनाई उसकी, तो वो क्या हुआ, वो भी सेकेंडरी हो गया, क्योंकि अब वो क्या है, प्रोसेस्ड डाटा हो गया, ठीक है, तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बचेगा रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स। अब रिप्रेजेंटेटिव सैंपल क्या होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव होता है जैसे रिप्रेजेंट करना, ठीक है, मतलब ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल जो है रिप्रेजेंट करता है लार्ज पॉपुलेशन को, ठीक है, तो उसके बिहाफ पे हम जो उनसे जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं वो क्या हो जाएगी, प्राइमरी हो जाएगी, वो होता है हमारा प्राइमरी डाटा, ठीक है, वो जो सोर्सेज हैं प्राइमरी डाटा। जब मान लीजिए आप एक क्लास में जाते हो, तो वहाँ पे आप 10-12 बच्चों को बुलाते हो, जब मान लीजिए वहाँ पे 30 बच्चे हैं, तो आपने क्या किया, 5 को बुलाया, तो उनको कुछ 2-4 क्वेश्चन उनसे पूछे, तो आपने क्या कर लिया, उसको बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, वो क्या है, प्राइमरी है, वहाँ पे आप डायरेक्टली उनके साथ कॉन्टैक्ट कर रहे हो, बेशक वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये होता है, इसका आंसर हो जाएगा रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, मोस्ट गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड हैव स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट, बट दे आर अनलक्कीली टू प्रोवाइड। स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट हर एक गवर्नमेंट को होता है, हमारा इंडिया का भी है बिल्कुल, तो कहता है वो किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करते, कम करते हैं, नहीं कर पाते। पॉपुलेशन की करते हैं, बिल्कुल करते हैं। टेलीविज़न प्रोग्राम की करते हैं, नहीं करते भी। हाउसिंग की करते हैं, उनको पता होता है कितने घर हैं, हर एक चीज़ का पूरा डाटा होता है। एग्रीकल्चर सेंसिस होता है, इंडस्ट्रियल आउटपुट होती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, टेलीविज़न प्रोग्राम व्यूइंग फिगर्स। तो वो ये गवर्नमेंट ये चीज़ क्यों प्रोवाइड करेगी कि कौन कितने देख रहा है, कौन सा प्रोग्राम देख रहा है, ठीक है, तो इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन वो नहीं प्रोवाइड करते, जो स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट है इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करते, इस चीज़ का ध्यान रखना है। सेंसिस प्रोवाइड करते हैं, हाउसिंग स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड करते हैं, एग्रीकल्चर के बारे में बताएंगे, इंडस्ट्रियल आउटपुट रिपोर्ट्स क्या हैं उनको पूरी इन्फॉर्मेशन रहेगी, पर वो ये नहीं बताएंगे भी कौन से लोग टीवी देख रहे हैं और कौन सी चैनल को देख रहे हैं या कौन सा प्रोग्राम देख रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं, हमारा चैनल का नाम है स्टडी फॉर JKSSB। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा चैनल का, और हमारी बाकी भी जो प्लेलिस्ट हैं उन सब का लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां